Praise the name of the Lord hallelujah Thank you Jesus Blessed be your name Lord hallelujah Blessed be your name blessed be your name Praise you Jesus of Nazareth Praise you King of glory 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 Praise you, hallelujah. Praise you, hallelujah. 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 For the Lord God Almighty rain. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah for the Lord God Almighty holy holy are you Lord God Almighty Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty. हाले Hallelujah. Hallelujah. for हाले Lord God द रे गुआया बी bless यू Lord प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सीह प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते तुझे जलाल देते हैं खुदावन तेरी हमद करते हैं तेरी सितइश करते हैं तेरी परस्तिश करते हैं, तेरे नाम की ऊंचा करते हैं हालेलुया, हाल हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस ऑफ नै थैंक यू लॉर्ड जीसस ऑफ नै थैंक यू लॉर्ड जीसस ऑफ जीजस प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं Jesus, we lift you up. Jesus, we praise you. Jesus, we glorify you, Lord. We magnify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify, glorify your name, glorify your name. Lord, we glorify your name. Lord, we glorify your name. Lord, we glorify your name. Lord, glorify your name. Glorify your name. लॉड वी ग्लोरेफाई यो नेम ग्लोरेफाई यो नेम हालू हुई हालीलू हुई हाल लू हुई थैंक यू लॉड जीजस थैंक यू तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो धन्यवाद 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 हो धन्यवाद 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 हो ये मसीह हम तेरी महिमा करते हैं तेरे नाम को ऊंचा करते हैं ये मसीह हम तेरी स्तुति करते हैं वो हम तेरे उम्र में आते हैं तेरे पवित्र लहू के द्वारा तेरे जलाली खून के वसीला हम तेरे पास आते हैं तेरे पवित्र लहू को पुकारते हैं प्रभु तेरे लहू की शक्ति हमारे जीवन में काम करे तेरे लहू की शक्ति काम करे प्रभु हालेलुया लुहिया मसीह हम अपने जीवन तेरे चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु हमें अपने रक्त से धोइए प्रभु पवित्र आत्मा के निर्मल जल से शुद्ध कीजिए प्रभु आप हमें वचन के पानी से साफ कीजिए खुदावन वचन के पानी से कलाम के सोते से खुदावन शुद्ध कीजिए हमें अपने वचन की गहरी बातें सिखाइए हमें बुद्धि से भरी है प्रभु बुद्धि से अभिषेक कीजिए हमारा और यहोवा के भय के आत्मा से आप हमारा अभिषेक कीजिए प्रभु प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं हाली यीशु यशु मसीह हाली हम आपको महिमा देते हैं आदर देते हैं खुदावन प्रभु गीता के लिए गीता के बेटे सूजल के लिए प्रार्थना करते हैं का लहू छिड़कते हैं खुदावन जितने लोग ऑनलाइन है मैं सबको तेरे हजूर में लाता हूँ अपना खून यशु मसीह वाचा का खून सुरक्षा के कवच का पवित्र लहू छिड़किए अनु पे जसवीर सिंह सुरेंदर पे गीता पे गीता के ख़ानदान पे बहादुर सिंह आकाश पे पास्टर सतपाल पे ब्रदर साहिल जो पाकिस्तान से उन पे अमरजीत कौर पे सुनीता नाड़ पे खुदावन रूबी संगेरा जो ब्रिटेन से उनके ऊपर मनजीत मसीह पे राजकुमार दास पे खुदावन हाली लुहिया अनिता रानी पे प्रकाश मांगट जो ब्रिटेन से खुदावन इनके ऊपर ख़ास करके इनके बेटे के ऊपर मैं आपका लव छिड़कता हूँ आपका खून छिड़कता हूँ उनके बेटे को खुदावन मैं आपके हजूर में लेके आता हूँ यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करे प्रभु हर बुराई की जड़ को मैं काटता हूँ प्रकाश मांगट जो ब्रिटेन में रहती है इनके बेटे के जीवन से येशु मसीह के नाम में तेरे खून की कुदरत काम करे खुदावन लॉर्ड I plead your blood over Silki Lal. I plead your blood over Guru Preet Singh. Lord, I plead your blood over Manjit Singh. Cover all of them under your blood. Cover Samina Ashraf under your blood. Cover me, Lord, as I meditate on your word. Lord, as I break the bread of your word. Lord, anoint me afresh. Hallelujah. Ke mein. Amen. Hallelujah. We will continue karenge. अलेवलेशन चैप्टर नंबर टू वर्ड्स नंबर सिक्स प्रकाशित वाक्य दो अध्याय का छः वचन बट दिस हैस दैट द डीड्स ऑफ द दिक्लोटियंस विच आई ऑल्सो हेट हाली लुहिया क्या कहता है प्रभु प्रभु कहता है तू निकले के कामों से नफरत करता है लुहिया ये नि नि निकलोटियंस कौन है बाइबल इनकी बात करती है द डॉक्ट्रिन ऑफ निकलो निकलोटियंस इनकी डॉक्ट्रिन के विषय में और इनके डीड के विषय में प्रभु का कलाम बताता है निकलोटियन के डीड क्या है और निकलोटियन के इनकी डॉक्ट्रिन क्या है तालीम क्या है की निकलोटियंस आपको मालूम जो आप लोग कई शूज़ पहनते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं नाइकी के नाइकी एन आई के ई वो वर्ड यहीं से निकला है रेवलेशन चैप्टर टू वर्ल्ड नंबर सिक्स निको लेटी निको लेटी निको प्लस लेटी दो वर्ड हैं ये निको प्लस लेटी निको मींस कौकर जो करते हैं रूल करते हैं रूलर लेटी का मतलब और पीपल ऑर्डनरी लोगों पे राज करने वाले हाँ निकोलेटिन निकोलस जो है इसके विषय में आप पढ़ेंगे मैं वचन देता हूँ आपको आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स चैप्टर नंबर सिक्स और उसकी वर्स नंबर फाइव

जिन्हें हम डीकन बोलते हैं चुने गए एल्डर चुने गए उनमें से एक था निकोलस, ठीक है निकोलस। ये जो निकोलेटियन है ये इस निकोलस के फॉलोअर हैं ये एक नॉस्टिक जी एन ओ एस टी आई सी एस नॉस्टिक्स का मतलब जो ग्रीक फिलोसफी और एक ज्ञान के दर्शन के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं इन्होंने एक ली एंड इमोरल डॉक्टर इम प्योर एंड इमोरल डॉक्टर निकोलेटियो की तलीम क्या है यह एक ओपन सेक्शुअल कम्युनिटी थी हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे जो निकोलस इनमें से बंदा था चेला था उसकी हिस्ट्री बताती कि उसकी बीवी बहुत सुंदर थी और उसने अपनी बीवी को पूरी जैसे सभा होती है उस सभा में लोगों को दिया कि उस सभा के सभी लोग उसके संग शारीरिक संबंध बनाए और एक बहुत ही इमोरल डॉक्ट्रिन एक बहुत ही गंदी घिनौनी शिक्षा इनकी शुरू हुई जिसमें सच एज द कम्युनिटी ऑफ वाइव्स दैट कमिटिंग अडल्ट्री एंड फर्निकेशन वॉज नॉट सिनफुल दैट ईटिंग मीट ऑफर टू द आइडल्स वॉज लॉफुल ये इनकी डॉक्ट्रिन थी ये औरतें इकट्ठी होके पुरुष उन सबके संग मिलके फिजिकल रिलेशन बनाते थे कम्युनिटी सेक्स करते थे और फिर मूर्तियों के आगे चढ़ा हुआ मांस खाते थे और मदिरा पीते थे यही शिक्षा जो है थायाटीरा की कलीसिया, थायाटीरा की कलीसिया का बेड़ा गर्क कैसे हुआ निकलइयों की शिक्षा के कारण सेक्सुअल डिबॉचरी सेक्सुअल प्रवर्जन सेक्सुअल प्रोमिसक्यूटी सेक्सुअल इमोरलिटी कम्युनिटी सेक्स using women as an object for sexual gratification and eating meat and offering that were dedicated to the idols, to the false gods and goddesses. so demons and, you know, fallen spirit, fallen angel, demons and all bad spirits possess these people. वहां पे भी यही शिक्षा थी निकोलियों की शिक्षा बहुत डेडली शिक्षा थी निकोलियों की चौदह वचन अगर आप पढ़ेंगे इसी दो अध्याय का चौदाह वचन बट आई हैव अ फ्यू थिंग्स अगेंस्ट दी बिकॉज दाउ हैस देर देम दैट होल्ड टू द डॉक्टर ऑफ बेलम हु टॉट बलाक टू कास्ट अ स्टम्बलिंग बिफोर बिफोर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल टू ईट ंग सेक्रीफाइस टू आइडल एंड टू कमिट कमेशन चौदाह वचन में बलाम की जो शिक्षा है जो निकलस की तलीम है ये असल में बाल बलाम की शिक्षा है बलाम जो था झूठा नबी जो गधी के ऊपर बैठा जा रहा था और सामने एंजल ने उसका द्वार रोका हुआ था लेकिन यहोवा ने गधी की आंखें खोली पर नबी जो था वो गधी से भी ज्यादा बड़ा गधा था क्यों नबी जा रहा था भागा हुआ क्योंकि नबी को पैसे मिलने थे और पैसों के लिए वो फॉल्स प्रॉप्सी करने जा रहा था झूठी नबूबते करने के लिए ये झूठा नबी जा रहा था तो अगर आप पढ़ेंगे दूसरे दिह का चौदह पंद्रह वचन यह बिलाम की तालीम है भाई और बहनों ये सेक्शुअल एमोरालिटी की तलीम है काम वासना की गंदी शिक्षा है और मूर्तियों के आगे चढ़ी हुई भ्रष्ट चीजों को खाने की शिक्षा है पंद्रह वचन सो है ऑल्सो देम दैट होल्ड द डॉक्टर ऑफ निकोलेटियन विच आई हेट बल्लाम की जो शिक्षा है बिलाम की उस शिक्षा का आगे बढ़ाने वाला बंदा है निकलस ये निकलस कौन है प्रेरितों के काम छेद है कि पांच वचन में इसका जिक्र है ये चुने गए सात एल्डरों में से एक है जिसको बदरुए पकड़ती हैं शतानी आत्माएं पकड़ती हैं और ये कलीसिया को एफसस की कलीसिया को गंदी बातें सिखाता है और परगमम की कलीसिया को सिखाता है और थयाटीरा की कलीसिया को और तीनों कलीसियों का बेड़ा गर्क होता है इस झूठी शिक्षा से इसका बीच वचन बीस वचन पढ़ें नॉट विद स्टैंडिंग आई हैव फ्यू थिंग्स अगेंस्ट दी ये कौन सी कलीसिया है थयाटीरा की कलीसिया है तो एफसस की कलीसिया में भी यही बीमारी है और परगमम की कलीसिया में भी यही बीमारी है अब था की कलीसिया में भी यही बीमारी है नॉट विथ स्टैंडिंग आई अ फ्यू थिंग अगेंस्ट दी बिकॉज teach and टू टीच एंड सर्वेंट्स टू कमिट फर्निकेशन एंड ईट थिंग्स सेक्रीफाइस टू idol। पहली कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा पाप पहली कलीसियाओं के पतन की सबसे बड़ी वजह पहली कलीसियाओं के अंदर मसीह के लिए प्यार क्यों चला गया पहली कलीसियाओं के अंदर ज्योति जलनी बंद क्यों हो गई कलाम की रोशनी खत्म क्यों हुई क्योंकि पहली कलीसियाओं के अंदर ये पाप है औरतों के संग व्यविचार करने का गंदे काम करने का और मूर्तियों के आगे चढ़ी हुई चीज़ों को खाने का इक्कीस वचन पढ़ें दो आई गेव हर स्पेस टू रिपेंट ऑफ हर फर्निकेशन बट शी रिपेंटेड नॉट दूसरे अध्याय में पढ़ के देखें यह निकलियों की तलीम का असर है निकलियों की तलीम है बिलाम की तलीम यह है बिलाम की शिक्षा आपको मालूम परगमम ये जो इलाके थे ये लिडियन किंगडम का हिस्सा थे वहां पे एक टेंपल था एस क्लिपियन टेम्पल ए -E एस के ई पी आई ओ एन एस क्लिपियन का टेंपल अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो रोमन दुनिया में ये हीलिंग सेंटर था एसकलिपियन आपको मालूम क्या है ये जो दो सांप देखते हैं ना आप डंडों के ऊपर दो सांप चढ़ रहे हैं ये मेडिकल का सिंबल है जो ये यीशु मसीह नहीं है जो क्रूस पे चढ़ाया गया है ये गलत फहमी में मत रहना जिसे मूसा ने उठाया विल्डनस में ये दो स्नेक जो आप चढ़ते देखते हैं ये एसलिपियन एक देवता है ग्रीक देवता जो हीलिंग का देवता है और इसका बहुत बड़ा टेम्पल था बहुत बड़ा टेम्पल एफस के इलाके में ये इलिडियन किंगडम का हिस्सा है और यहाँ पे लोगों को मेडिकल से जाता था प्लस एक देवता है चंगाई का सांप स्नेक है वो सांप है जिसकी पूजा की जाती है यहाँ पे और बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे चश्मे हैं झरने हैं यहाँ पे लोगों को ऑयल लगा के ट्रीट किया जाता है बाम्स लगाई जाती हैं और फ्रेग्रेंस के द्वारा लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है हर्ब्स के द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है एस्किलिपियस देवता जो शैतानी है उसके बहुत से पुजारी हैं बहुत सी औरतें उसकी पुजारी हैं जो उन लोगों के संग सेक्स भी करती हैं गंदे काम भी करते हैं और लोगों को चंगाई भी दी जाती है और एक बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं रोमन लोग बहुत आते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेक्स की हब है गंदे कामों की विश्वासी लोग कभी नहीं इधर जाते जो कलसिया के लोग हैं लेकिन यहाँ पे परगमम में थयाटीरा में और एफसस में कुछ झूठे शिक्षक खड़े हुए जिनके विषय में प्रेरित पलूस बताता जो मैंने आपको बताया प्रेरितों के काम बीस अध्याय में प्रेरित पलूस कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए खड़े हो जाएंगे वो भेड़ों को छोड़ेंगे नहीं भेड़ों को निगल जाएंगे वो फॉल्स टीचर फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स पॉसल जो आए उन्होंने लोगों को क्या सिखाया उन्होंने लोगों को सिखाया ये जो एस्किलिपियस का टेम्पल है इसमें दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं हमें बाहर नहीं रहना है हमें मेल मिलाप का आत्मा रखना है हमें उनके संग मेल मिलाप करना है हमें उन्हें प्यार दिखाना है हमें उनके बीच में जाना है हमें उनके बातें तो बहुत बढ़िया करते थे कि हमें उनके बीच में जाके वचन फैलाना है उनकी रूहों को जीतना है प्रभु के लिए लेकिन हुआ क्या शैतान ने उनकी रूहों को जीत लिया एस्कलिपियस एस एस्किल, एस्किलिपियोन के टेम्पल में गए और वहां जाके मूर्तियों को चढ़ी चीजें खाने लगे और औरतों के संग सेक्स करने लगे गंदे काम करने लगे जिससे इस कलीसिया का बेड़ा गर्क हुआ इन कलीसियाओं का मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिलाम की तलीम जो है यह निकलियों की तलीम है द टीचिंग द इज एक्चुअली द डॉक्टिन ऑफ निकोलेटी दिस डिस्ट्रॉयड The first four churches of the New Testament, this heretical teaching, this immoral teaching, this pervert teaching of sexual immorality and eating offered unto the idols. They used to drink the blood and they used to eat the flesh, flesh of the animal that was offered before the idol, and then they would have sex with women. This teaching destroyed the early churches. तो चलिए मैं आपको वचन में से दिखाता हूँ मेरे संग निकालें गिनती की पुस्तक नंबर्स गिनती की पुस्तक उसका आप निकालिए पच्चीस अध्याय गिनती की पुस्तक पच्चीस अध्याय भाई और बहनों ये जो शिक्षा मैं दे रहा हूँ ना आपको इसे अपने दिल में बिठाइए ये मिलेगी नहीं कहीं आपको समझ रहे हैं आप ये आपको मुफ्त में फ्री में मिल रही है। इससे अपना जीवन बचाइए जीवन सवारी है शिक्षा से ये परमेश्वर के कलाम की सच्ची गहरी और गूढ़ शिक्षा है हालेलुया तो मेरे संग निकालिए गिनती की पुस्तक 25 अध्याय उसके पहले वचन से गिनती नंबर्स 25 सुने पहले वचन से क्या लिखा एंड इजराइल अबोर्ड इन शितिम एंड पीपल बिगन टू कमिट होर्डम विद द डॉटर ऑफ मोआब शितिम के इलाके में लोग जब रहने लगे इजरायली लोग तो इजरायली लोगों की फौजें थी जवान लोग थे वहाँ पे फौज के रूप में कैंप बना के रहते तो, दे स्टार्टेड टू तो कमिट होल्डम विमेन ऑफ मुआब मुआबी औरतों के संग उन्होंने जनाकारी करनी सेक्सुअल इमोरालिटी करनी शुरू कर दी आपको मालूम इसके पीछे कितना बड़ा जाल है ये मुआवी कौन है मुआवियों का राजा है बलाक और मुआबी कौन है मुआबी और अमोनी दो जातियां हैं जो लूत में से निकली हैं लूत अपनी बेटियों के संग संग करता है और उनकी बेटियों से जो दो औलादे पैदा होती हैं एक मुआब एक अमोन यहोवा का शराफ था इन दोनों के ऊपर और यहोवा परमेश्वर ने इसराइल से ये कहा था कि मुआबियों और अमोनियों के संग कोई संबंध मत बनाना ना अपनी बेटियों को उनके बेटों से बेहाना ना उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए बयाना क्योंकि यहोवा परमेश्वर का श्राप मुआब और अमोन पे था तो मुआब का राजा बलाक वो एक नबी को हायर करता है पैसा देता है उसे उसका नाम है बलाम बिलाम बेलम हिंदी में बिलाम बोलते हैं ये जो बिलाम है इसके संग यहोवा बोलता है लेकिन ये है झूठा नबी है झूठा इसलिए है क्योंकि काम शैतानी करता है होवा कि आज्ञा में चलता नहीं है पूरे तौर पे पैसे के लिए अनुभूते करता है फॉर मनी ऐसे बहुत से फॉल्स प्रॉफिट हैं जो आपके ऊपर मिलियन एयर बिलियन एयरटिंग रिलीज करते हैं ताकि उसमें से टाइद उनको दे दें आप ऐसा ही बिलाम है भाइयों और बहनों बाइबल में तीन मार्ग हैं तीन राह हैं मिनिस्ट्री के सेवकों के तीन राह हैं यहूदा की पत्री पढ़ के देख लें तीन रस्ते हैं पादरियों के सेवकों के प्रेरितों के और नबियों के शिक्षकों के मनादों के पासवानों के तीन राह हैं एक है कोरा का राह एक है कैन का राह और एक है बिलाम का राह इन तीन राह पे चलते हैं झूठे सेवक कोरा के राह पे बिलाम के राह पे या कैन के राह पे तो सुनिए यहां पे बलाक जो है इसराइल को श्राप देना चाहता है इसराइल को नाश करना चाहता है लेकिन जब भी बिलाम नबूबत करता है इसराइल के विरुद्ध में यहोवा बिलाम की नबूवत को बरकत में बदल देता है तो उसके मुंह से लानत निकल नहीं पाती इसराइल के लिए तो बला, बलाक जो राजा है वो नबी से पूछता है कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा किसी ना किसी तरह तो इसराइल के ऊपर लानत गिर सकती है तो बिलाम राजा को सलाह देता है कि इसराइल को शराब कोई नहीं दे सकता कोई इसराइल के ऊपर लानत रिलीज नहीं कर सकता एक ही सूरत है इसराइल खुद अपने आप को लानत दे सकता है सुनिए मेरी बात आपको शैतान कर्ज नहीं कर सकता लेकिन आप खुद अपने आप को कर्ज कर सकते हो पाप करके गंदे काम करके लुच्छ करके हरामकारी करके जनाकारी करके मूर्तियों के आगे सजदा करके जादूगरी करके टोना करके आप खुद अपने आप को लान तान कर सकते हो शैतान नहीं कर सकता कैन का राह नफरत का राह है कोरा का राह रिबेलियन का राह है बलाम का राह मॉरल करप्शन का राह है ये तीन राह हैं कैन नफरत का पथ है रिबेलियन है और बलाम है मॉरल करप्शन मॉरली चर्च को करप्ट किया जा रहा है मॉरली सुन लीजिए गिनती 25 अध्याय में एक जाल बिछाता है राजा बलाक इजराइल को लानत देनी है इज़राइल अपने आप को ही लानत दे सकता है खुद इज़राइल इज़राइल को कोई और लानत दे नहीं सकता को अंदर से तोड़ना पड़ेगा बाहर से इसराइल को तोड़ा नहीं जा सकता तो स्कीम क्या बनाई जाती है राजा कुछ औरतों को भेजता है बलाक राजा खूबसूरत औरतों को वो औरतें क्या करती हैं वचन देता हूं आपको मैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ें आप रेवलेशन चैप्टर नंबर टू रेवलेशन चैप्टर नंबर टू पढ़ें रेवोल्यूशन चैप्टर टू एंड वर्स नंबर फोर्टीन सुने क्या कहता प्रभु बट प्रभु कहता बट आई हैव अ फ्यू थिंग्स अगेंस्ट दी प्रकाशित वाक्या दो की चौदह आई हैव अ फ्यू थिंग अगेंस्ट दी बिकॉज दाओ हैज दाओ हैज देर देम दैट होल्ड द डॉक्टर ऑफ बेलम बिलाम की तलीम निकलेयो की तलीम एक ही है बिलाम की तलीम और जजबिल की तलीम एक ही है ये एक ही आत्मा है

स्टम्बलिंग ब्लॉक बिफोर द चिल्ड्रन ऑफ इसल इसराइलियों के आगे स्टम्बलिंग ब्लॉक डाले क्या डाले स्टम्बलिंग ब्लॉक बिफोर जो है बड़ा यूनिक वर्ड है इपियोन ग्रीक वर्ड है इपियोन बिफोर इन फ्रंट मैं अभी बताऊंगा इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है बिफोर का लेकिन यहां पर दूसरा वर्ड प्रभु बच्चन में लिखा है स्टम्बलिंग ब्लॉक हिंदी में नहीं मुझे मालूम क्या लिखा है चौदह वचन प्रकाशित वाक्य दो अध्याय का चौदह वचन यू टॉट बेलक टू कास्ट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक मैं भी पढ़ देता हूँ हिंदी में रुकी मैं हिंदी की बाइबल उठा रहा हूँ प्रकाशित वाक्य दो अध्याय जल्दी से निकालें प्रकाशित वाक्य दो अध्याय और उसका चौदह वचन सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे प्रभु कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं किसकी तलीम पे चल रहे हैं शिक्षा पे चल रहे हैं बिलाम की बिलाम की शिक्षा क्या है भाइयों और बहनों बिलाम की शिक्षा जो है वो निकलेयों की शिक्षा है निकुले बिलाम का ही चेला है आगे हाल और बिलाम की शिक्षा ही जिजबिल की शिक्षा है बिलाम की शिक्षा क्या है बिलाम की शिक्षा क्या, क्या थी शिक्षा को मानते हैं जिसने बलाक को इस के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया ये बिलाम ने सिखाया बलाक को कि कैसे इस को तू हरा सकता है कैसे इसराइलियों को लानत दी जा सकती है एक ही सूरत है कि इसराइलियों के जवान तेरी औरतों के संग जनाकारी करें जो मुआबी औरतें हैं उनके संग सेक्सुअल मोरालिटी कमिट करें पाप करें जना करें हरामकारी करें और दूसरा काम क्या करें जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं जिसने बलाक को इसराइली को आगे ठोकर खाने का कारण सिखाया कि वह मूर्तियों की चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यविचार करें वो मूर्तियों के आगे चढ़ी चीजें खाएं और व्यविचार करें यह काम इसराइलियों के जवानों से करवाना होगा जब इसराइलियों के पुरुष ये गंदा काम करेंगे तो अपने आप उनको लानत मिल जाएगी वरना बाहर से कोई उन्हें लानत नहीं दे सकता तो सुन लीजिए आज भी आप पे लानत तब आती है जब आप जनाकारी करते हो आज भी आप पे लानत तब आती है जब आप मूर्तियों के आगे चढ़ी चीजें खाते हो वरना आपको कोई लानत नहीं दे सकता ये वही वही आत्मा है जो आज भी काम कर रहा है चर्चों के अंदर और विनाश कर रहा है लोगों का दो चौदह में लिखा है स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या लिखा है हिंदी में हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखा है ठोकर का कारण रखना ठोकर का कारण इंग्लिश में स्टम्बलिंग ब्लॉक लेकिन आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है ग्रीक वर्ड है स्कैंडली ऑन जहां से वर्ड निकलता है स्कैंडल जिसका मतलब है कॉन्स्परेसी ट्रैप बिलाम ने बलाक को सिखाया कि कैसे जाल बिछाना है जरेलियों के लिए क्रिएट करना है कैसे कॉन्स्परेसी करनी है कैसे उन्हें एक खड्डा खोद के उसमें गिराना है कैसे उनको जाल में फांसना है कैसे एंटाइज करना है उनको कैसे औरतों के द्वारा तो लिखा है यहां पे लिखा है एक वर्ड जिसको मैं भी आपके लिए ग्रील करता हूं हु टॉट स्टम्बलिंग ब्लॉक बिफोर द चिल्ड्रन ऑफ इस डे ये जो बिफोर है ना बिफोर ये ग्रीक वर्ड है इपियॉन जिसका मतलब है डेंगलिंग नाचना डांस करना अब आपको मैं बताता हूँ यह डेंगलिंग नाचना डांस करने का आपको मतलब कहाँ से मिलेगा चलिए मेरे साथ दोबारा आइए गिनती की पुस्तक पच्चीस अध्याय में इसराइली शटीम में जब आके रुके पीपल बिगैन टू कमिट होर्डम विद द डॉटर ऑफ मुआब क्या करने लगे वो उनके जवान मुआबी औरतों के संग पाप करने लगे आपको मालूम क्यों क्योंकि वो डेंगलिंग करने लगी उनके आगे इपियोन ग्रीक वर्ड है जो हमने पढ़ा इपियोन दो प्रकाशित वाक्य दो की चौदह में वो आधी नंगी होके आई इस के आगे और अपने शरीर को मटकाने लगी ब्रदर कुंदन शाह जी इपियन वर्ड भी देख लीजिए रेवोल्यूशन टू फोर्टीन में विच लिटरली मीन्स डेंगलिंग Which means the women came, they were partly dressed, they were naked, and in front of the Jewish soldiers, yahudi जो फौजी थे वो यहाँ पे पक्ति में बंद के खड़े हुए थे तो उनको उन्होंने अपने शरीर को नंगा शरीर दिखा के उन्हें भरमाया पाप करने के लिए यहाँ पे लिखा है दे began टू कमिट होल्डम विद द डॉटर ऑफ मोआब एंड दे कॉल्ड द पीपल अन टू सेक्रीफाइस ऑफ देयर गॉड एंड द पीपल डिड ईट एंड बाउन टू देयर गॉड्स वो औरतें आईं इस रैलीओं के खैमे में जहाँ इसराइली सोल्जर थे फ़ौजी थे उनको अपना नंगा जिसम दिखाया उन्होंने जब उन्होंने उनका नंगा जिसम देखा तो उनके अंदर वासना पैदा हुई गंदी वासना से भर गए इसराइली फ़ौजी वो औरतें अपने शरीर को मटकाती हुई यही वो उनके पीछे पीछे छोटा सा एक पहाड़ है उस पहाड़ पे चढ़ गए उस पहाड़ पे उनके देवता की टेम्पल थी बाल प्योर देवता का नाम था बाल प्योर उस देवता का एक बहुत बड़ा पहाड़ पे टेम्पल था इसराइली जवान उस टेम्पल के अंदर चढ़ गए एंड दीज वेमेन वर नेकेड और वहां पर मूर्तियों के आगे जानवरों को मार के रखा हुआ था ब्लड था उनका वो ब्लड पीने लगे मांस खाने लगे और औरतों के संग सेक्स करने लगे कौन ये होगा परमेश्वर के लोग पढ़ लीजिए वचन यहाँ लिखा है इसरायल ज्वाइंट हिमसेल्फ बाल प्योर एंड एंगर ऑफ द लॉर्ड वॉज किंडल अगेंस्ट इज़राइल। किसके संग जोड़ लिया बाल प्योर के साथ प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु की मेज से और शैतान की मेज़ दोनों से नहीं खा सकते कुछ ऐसे झूठे शिक्षक हैं जो सिखाते हैं जी प्रसाद पे आप दुआ करके खा लो लंगर भी खा लो जग में जाके भी खा लो ये एब्सोल्युटली शैतानी तलीम है ये बिलाम की तलीम है सुन लीजिए कान खोल के जो अपने आप को मसीह कहते हो ना आप हर जगह चढ़ी चीजें खाते हो आपके ऊपर शैतान लानत भेज रहा है और आपको मालूम भी नहीं है एनओपियोन ग्रीक वर्ड डेंगलिंग इसका मीनिंग है डेंगल विमेन बिगेन टू डेंगल देयर बॉडीज बिफोर दम दादा कुंदन शाह ने वर्ड डाल दी हाँ ले लुया इसराइली लोगों ने क्या किया सुनिए इसराइली पुरुषों ने औरतों की नंगे बदन को देख के वो ये होवा को भूल गए और वासना से भर गए और क्या करने लगे कॉल्ड मैन टू सेक्रीफाइस उसने उन्होंने औरतों ने उन मूर्तियों के आगे चढ़ी चीजों को खाने के लिए बुलाया उन्होंने क्या किया इसराइलियों ने अपने स्टैंडर्ड लोअर कर दिए बिकॉज ऑफ वेमेन बिकॉज ऑफ सेक्शुअल इमोरलिटी जो उनको नहीं करना चाहिए था वो करने लगे और लिखा है दे बाव डाउन टू देर गॉड्स और बाल प्योर के आगे झुकने लगे अपने आप को बाल प्योर से जोड़ लिया प्रभु कहता है मेरे मेज से और शैतान के मेज से दोनों से मत खाइए मैंने बहुत सब ज, लंगर जग छबीले सब पीते रहते हैं और हाले भी बोलते हैं लानत गिर रही है आपके जीवन पे लानत यह बिलाम की तलीम है यह है निकलियों की तलीम इस तलीम की वजह से था की कलीसिया का सत्यानाश हुआ पाप और बदकारी में गिर गई ये कलीसियाएं भाई और बहनों आपका शरीर यहोवा का मंदिर है इसको यहोवा ने मोल देके खरीदा है आप अपने नहीं हो अब आपकी बॉडी आप आपकी बॉडी आपका शरीर आपका अपना नहीं है कि जो चाहे मर्जी करो अपने शरीर से इसको यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम दे के खरीदा है ये यीशु मसीह का है इसको पाप का हथियार नहीं बना सकते आप इस शरीर को वेश्या का अंग नहीं बना सकते हालि लुहिया ये प्रभु का मंदिर है इसको मोल लिया गया है तो उन्होंने बाल के संग जोड़ा क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिलाम की झूठी तलीम के साथ जोड़ा हाली लुहिया शैतान आपको अंदर से मारेगा आपके अंदर शतान होल करेगा आपके अंदर सेंध लगाएगा और आपका जीवन समाप्त कर देगा और आपको पता भी नहीं लग पाएगा है पच्चीस अध्याय नंबर्स में And the anger of the Lord was kindled against Israel. And the Lord said unto Moses, Take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. And Moses said unto the judges of Israel, Slay every one of his men that were joined to Baal Pior. <laughs> क्या लिखा है सब के सब मारे गए एंड बिहोल्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल केम एंड ब्रॉट अनटू हिज ब्रदर इन मिडनाइट वुमन इन द साइट ऑफ मोसेस एंड इन द साइट ऑफ ऑल द कोंग्रेगेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल हु वर वीपिंग बिफोर द डोर ऑफ द टैबर्नकल ऑफ द कोंग्रेगेशन व्हेन फिनस द सन ऑफ एलियाजर द सन ऑफ एरन स he rose up among the congregation and took a javelin in his hand and he went after the man of israel into the tent and thrust both of them through the man of israel and the woman her belly the plague was stayed from the children of plague aagi wahan pe plague plague समझते हैं आप plague समझते हैं यहोवा क्या करता है यहोवा कहता है तुम अगर पाप करो तुम अगर बदकारी नहीं छोड़ोगे तो यहोवा कहता है मैं सोड भेजूंगा तलवार भेजूंगा हरे अगर तुम तलवार से बाज नहीं आए तो यहोवा परमेश्वर कहता है मैं अकाल भेजूंगा अगर तुम अकाल से बाज नहीं आए तो यहोवा के हथियार बहुत डेंजरस हैं भाई और बहनों यहोवा को मत उकसाइए कि यहोवा अपने हथियार आपके विरुद्ध वरना कोई बचा नहीं पाएगा अगर यहोवा ने अपने वेपन खोले आपके विरुद्ध तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा समझ रहे आप मेरी बात मत भड़काइए उसके क्रोध को ख्यालिया सुनिए प्रभु यहोवा का वचन क्या लिखा यहाँ पे प्लेग आ गई प्लेग बहुत भयंकर प्लेग आई लेकिन जब फिनहास ने क्या किया कियाजर के बेटे फिनहास ने उस औरत को और उस पुरुष को जब तंबू में गलत काम कर रहे थे उन दोनों को भाले से पिरो दिया तो आठ वचन गिनती पच्चीस का आठ पढ़िए गिनती पच्चीस का आठ क्या लिखा वहाँ पे सुने हाली लू है हिब्रू वर्ड है मगेपा एच फोर जीरो फोर सिक्स मगेपा मघेपा मगीफा क्या है प्लेग है ये बदरू है एक बदरू जो स्लॉटर करती है आके लोगों को मार डालती है प्रभु यहोवा होगा बदरुओं के हाथ खोल देता है ये जो बदरुए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में अगर इन रूट वर्ल्ड की स्टडी करेंगे मगेफा फखाड यही रूट वर्ल्ड हैं अगर इनकी गहराई से आप स्टडी करोगे ये अन्य जाति के देवते हैं ये बदरुए हैं डेमी गॉड्स हैं अन्य जाति के जब इसराइल पाप करता है यहोवा उन्हें इजाजत देता है इसराइलियों को सजा देने की तो ये प्लेग प्लेग जो है तब रुकी जब किसी व्यक्ति ने इतना अद्भुत काम किया औरत को और पुरुष दोनों को भाले से पिरो डाला उसने और नौ वचन पढ़ें गिनती पच्चीस का नौ दोस दैट डाइड इन द प्लेग वर ट्वेंटी एंड फोर थाउजेंड चौबीस हजार बंदे चले गए सेक्स करने के लिए उस मंदिर में गिनती की पुस्तक पच्चीस अध्याय में बाल प्योर के मंदिर में स्त्रियों के संग कुकर्म करने के लिए चौबीस हजार बंदे गए और चौबीस के चौबीस हजार मार दिए चौबीस हजार ने मूर्तियों के आगे चढ़ी चीजें खाई शैतानी काम किए औरतों के साथ टेंपल में गंदे काम किए चौबीस हजार को मगीफा ये सब डीमंस हैं बद्रुए हैं ये हिब्रू बर्ल्ड हैं जो इनकी रूट में स्टडी करें जाके ढूंढे रूट में ये क्या है दे आर डीम यहोवा इन डीमंस को बदरुओं को शतानी आत्माओं को शतानी फॉलन एंजल को उनके हाथ खोल देता जाओ जाके मेरी प्रजा को सजा दो उन्होंने चौबीस हजार बंदा मारा क्यों क्योंकि उन्होंने अपने आप को बाल प्योर के संग जोड़ लिया तो जब आपने अपने आप को यह के संग जोड़ा है तो भैया ज्योति का अंधेरे के संग क्या मेल है कई लोग कहते हैं जी नहीं जी सिस्टर ब्रदर जी वो ना लड़की हमारी हिंदू से शादी करना चाहती है हो सकता है वो प्रभु में आ जाए उनको ये पता नहीं है ये कलाम जानते नहीं है कि उनकी बेटी बाल प्योर के संग अपने आप को जोड़ने जा रही है प्रभु कहता है तुम प्र मेरी मेज से और शतानों की मेज से कट्ठा नहीं खा सकते प्रभु कहता है अंधेरे का ज्योति के संग कोई मेल नहीं है के संग कोई मेल नहीं है धार्मिकता का धार्मिकता के संग कोई मेल नहीं सत्य का सत्य के संग कोई मेल नहीं है साफ तो कह रहा है प्रभु फिर आपको क्यों समझ नहीं आती खाले तो भाई और बहनों निकलैं की शिक्षा बिलाम की शिक्षा है बिलाम की शिक्षा इज़बेल और अहाब की शिक्षा है इजबेल और अहाब की शिक्षा ही निकलैं की शिक्षा है तो इन इस झूठी शिक्षा ने तीन कलीसियाओं का बेड़ा गर्क किया है पढ़ लो कलाम और यह शिक्षा दोबारा मंडली में आके मंडली को गर्क कर रही है हाल आइए प्रभु के संग जोड़े आपको बाल प्योरों के संग नाता काट दे बाल प्योरों के संग नाता जोड़ने से प्लेग आएंगी प्रभु कहता मैं सोल भेजूंगा, फैमिन भेजूंगा फिर प्लेग भेजूंगा फिर भी तू बाज नहीं आया तो बीस्ट भेजूंगा आले लुहिया खुदावंद हम तेरे हजूर में आते हैं तेरा सच्चा कलाम ही लोगों की आँखें खोलता है तेरा सच्चा कलाम ही पाप की दलदल से लोगों को निकाल सकता है पाप के गंध से छुटकारा दे सकता है खुदावंद मोटिवेशनल प्रीचरों ने बेड़ा गर्क कर दिया कलीसिया का प्रॉस्पेरिटी प्रीचरों ने बेड़ा गर्क कर दिया कलीसिया का पॉजिटिव थिंकिंग प्रीचरों ने बेड़ा गर्क कर दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया तेरी कलीसिया को मेटाफिजिकल साइंस सिखाई है ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई है तेरा सच्चा कलाम खुदावंद तेरे सच्चे कलाम को खोल तेरे सच्चे नबियों को सच्चे ख़ादमों को सच्चे कलाम सिखाने वाले उस्तादों को खड़ा कर खुदावन हाले तेरे लोगों पे प्लेग चल रही है ताकि प्लेग रुक जाए खुदावन हाले लुिया फिनहास जैसा रू भेज खुदावन फिनहास जैसी जलन फिलहास जैसी झील भेज खुदावन हाले मैं कि एक, एक जिंदगी को जो ऑनलाइन है तेरे कलाम के साथ बांधता हूँ तेरे खून की कुदरत एक एक के ऊपर खोलता हूँ तेरे लहू का मसा खोलता हूँ खुदावन, हालिया तेरा जलाली नाम ऊँचा हो खुदावन इन तेरे सच्चे कलाम को लॉर्ड लेट द लॉर्ड, राइट ऑन द टैबलेट ऑफ द हार्ट ऑफ योर पीपल द ट्रू रेवलेशन ऑफ योर वर्ल्ड विद द इंक हॉन लॉर्ड लेट इट लीव परमानेंट इन इम्पैक्ट ऑन द हार्ट्स ऑफ योर पीपल Let them see your word. Let them do your word. Let them live in your word. Let them walk in your word, Lord God. <coughs> Let your people become your word conscience. Your word conscience. Lord, I plead the blood of the Lamb. I plead the blood of the Lamb. I call your church for purity, for holiness, for righteousness. फॉर ट्रूथ फॉर इंटेग्रिटी सो दाइट शाइन्स लॉर्ड तेरी मंडली की रोशनी जगे विश्वासियों के अंदर सात चिराग जल उठे खुदावंद कहीं ऐसा ना हो कि तु उनका क्षमादान हटा दे खुदावंद बल्कि खुदावंद ये तेल ढूंढें तेल का इंतजाम करें पवित्र आत्मा के तेल का और लबरेज करें तेल से ताकि रोशनी प्रचंड ज्वाला की तरह जले खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं हाली लोहिया ये मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मानते हैं आमीन सबको जय मसीह की इवनिंग में फिर हम वचन पे मनन करेंगे और स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे द लॉर्ड ब्लेसिंग जय मसीह की